हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल बॉस और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है यहां पर Redmi Note 5 Pro के लिए जो न्यू अपडेट आया है MIUI वर्जन 9.6.4.0, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि यहां पर क्या क्या आपको इशू देखने के मिल रहे हैं और क्या क्या यहां पर आपके लिए फिक्स हो गया है। तो इन सभी की पूरी जानकारी के लिए, और अगर आपने इस रोम का अपडेट नहीं किया है अभी तक और आप करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आज की हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ दोस्तों, आपने इस वीडियो लाइक करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये अभी तक अपडेट मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब पास वाला नोटिफिकेशन का आइकन आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस अपडेट के बारे में। दोस्तों, जिनके पास भी यहाँ पर पहले अपडेट था MIUI 9.6.3.0, तो उनके लिए तो दोस्तों ये अपडेट आया केवल 177 MB का। तो दोस्तों, जिनके पास यहाँ पर पुराना अपडेट था जैसा कि 9.5.19, तो उन्हें यहाँ 706 MB का अपडेट देखने को मिला है, लेकिन जो उससे पुराने रोम पर थे तो उनके लिए 1.6 GB का अपडेट देखने को मिला है। या फिर अगर आप तो किसी भी रोम पर हैं और आपको अपडेट नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपने 1.6 GB की ये डाउनलोड कर लेना फाइल, और डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फिक्स की। तो फिक्स के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल में, जैसे देख सकते हैं आप मेरे मोबाइल में। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले से जो परफॉर्मेंस तो अच्छी है देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फ्रंट कैमरा के, तो दोस्तों फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा अभी जो लैग है, जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो दोस्तों चलिए मैं फ्रंट कैमरा में लेके चलता हूँ आपको। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा में, जब फोटो से यहाँ पोर्ट्रेट मोड पर जाएंगे तो थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलेगा, और ये लैग पता नहीं क्यों आ रहा है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बैक कैमरा की। तो जैसा कि आप बैक कैमरा में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको शटर स्पीड है, और जब पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको लैग देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है इसे फोटो से जाने की, पोर्ट्रेट मोड से फोटो में जाने के लिए और फोटो से पोर्ट्रेट मोड में जाने के लिए। और यहाँ पर जो शटर का लैग था, वो शटर लैग तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो चाहे पोर्ट्रेट मोड हो चाहे वैसा मोड हो, लेकिन यहाँ पर शटर लैग खत्म हो चुका है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा मोबाइल जो है शटर लैग कर रहा है, लेकिन शटर लैग नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिला इस अपडेट में, एक सिक्योरिटी पैच के अलावा। यहाँ पर केवल आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिला न्यू, और बाकी जो एक सपोर्ट आया था यहाँ पर APTX ब्लूटूथ ऑडियो के लिए, वो न्यू देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर सब चीज़ की गई है वो केवल फिक्स से किया गया है। साथ ही जो आपका जो MI के रोमिंग एप्लीकेशन थी वो हटा दी गई है जिनके मोबाइल में थी। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई यहाँ पर हमारे प्रोस की। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से के। तो दोस्तों, कौन से में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आप थे यहाँ पर MIUI 9.6.3.0 पर, तो उस समय जो आपके एयरफोन जैक में प्रॉब्लम आ रही थी, जाने की आपको जो आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही थी, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर वो प्रॉब्लम कम तो हुई है, लेकिन उतनी कम नहीं हुई है जितना नॉर्मल होती है। अभी भी यहाँ पर बहुत कम आवाज़ आ रही है, लेकिन अब आप आराम से सुन सकते हैं किसी भी सॉन्ग को, या फिर अगर आप कॉल करते हैं तो सुन सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, अगर आप पबजी के शौकीन हैं तो पबजी में आपके लिए अभी भी HD ग्राफिक्स नहीं आए हैं, और ये पता नहीं क्या कर रहा Xiaomi यहाँ पर इतना अच्छा हार्डवेयर होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर हमें Snapdragon 636 मिलता है, तब भी यहाँ पर हमें HD नहीं देखने को मिलता है, तो ये कमी की बात है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 4K की। तो दोस्तों, 4K की वीडियो तो रिकॉर्डिंग तो आने के बाद दूर की बात है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें 1080p में 60 FPS भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो Xiaomi पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर, जो Redmi Note 4 में यहाँ पर पहले 60 FPS दे दिया था इन्होंने, लेकिन जो अब हटा दिया गया है वो भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। और जबकि हमारा ये Redmi Note 5 Pro है, इसका तो हार्डवेयर बहुत अच्छा है, तो इन्हें तो यहाँ पर दे देना चाहिए था। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा में लैग की। तो फ्रंट कैमरा में अगर आप ब्यूटी मोड में अगर जाकर फोटो क्लिक करने कोशिश करेंगे, या फिर आप फ्रंट कैमरा ब्यूटी मोड ऑन करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कि आप पहली या दूसरी बार में इसे ओपन ना कर पाएं, तो अगर आप जाकर चेक कर सकते हैं अपना फ्रंट कैमरा और ब्यूटीफाई मोड चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हीटिंग इशू की। तो हीटिंग इशू अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हैं, जाने की 4 या 5 घंटे गेम खेलते हैं, तो आपके थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिलेगा जो नॉर्मल सी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है, 4 से 4.5 घंटे का हमें बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है हैवी टास्क पर। तो दोस्तों, हैवी टास्क पर ये होता है जैसे आप पबजी खेल रहे हैं लगातार, उसमें हमारी स्क्रीन भी ऑन होती है, साउंड भी ऑन होता है, साथ ही आपका इंटरनेट भी ऑन होता है, और जो गेम भी चलता रहता है, तो जाने की सभी चीज़ वर्क करती है, उसे कहते हैं हैवी टास्क।
तो वहाँ पर हमें लगभग 4 से 4.5 घंटे का बैकअप देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जान रहे कि अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आप अपने मोबाइल को एक बार चार्ज करने के बाद में अगले दिन ही चार्ज करेंगे और आप आराम से यहाँ पर 8 से 9 घंटे यूट्यूब पर सर्फिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में ये जो रोम है वो बहुत अच्छी है, तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपडेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ अगली वीडियो, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। तो बस दोस्तों आज की ये थी वीडियो आज का। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो साथ में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।